तो भाई लोग झटका खाने के लिए रेडी हो जाओ। क्यों, क्या हुई? क्योंकि टेकन 9 के बारे में एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है, जिसको सुनने के बाद तुम पूरी तरह से शॉक्ड हो जाओगे। क्योंकि न्यूज ये है कि टेकन 9 टेकन फ्रेंचाइजी का लास्ट गेम होने वाला है। यस, तुमने सही सुना, टेकन 9 टेकन सीरीज का लास्ट गेम होगा, जिसे खुद टेकन के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काटसुहिरो हराडा और माइकल मरी ने कंफर्म किया है। और इतना ही नहीं, हराडा ने टेकन के आगे फ्यूचर के बारे में भी बात की, जैसे टेकन 9 पर कब काम स्टार्ट होगा, गेम कब रिलीज होगा, किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा एंड और भी काफी सारी चीजें हराडा ने बताई। सो काफी सब्सक्राइबर्स टेकन 9 के बारे में जानना चाहते थे, तो जानने के लिए रेडी हो जाओ। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पहले ही बता रहा हूँ काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बाद में भूल जाओगे, तो अभी से लाइक कर दो और नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर दो। एंड नाउ लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें कंफर्म कर देता हूँ, क्योंकि न्यू सब्सक्राइबर्स को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो टेकन फ्रेंचाइजी की स्टार्टिंग 1994 में काटसुहिरो हराडा ने की थी और अब तक वो टेकन के सीरीज के साथ थे। इवन टेकन 8 जो न्यू गेम रिलीज हुआ है, इसमें भी हराडा गेम डायरेक्टर थे। और इसके अलावा भी हराडा फैंस से काफी बातचीत करते हैं, इसलिए वो एक्स मतलब की ट्विटर पर काफी एक्टिव भी रहते हैं। और मेरे ही जैसे उनका भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है हराडास बार, जिसमें वो फाइटिंग गेम्स के डेवलपर्स और प्रोड्यूसर से बातचीत कर उनका इंटरव्यू लेते हैं और अपने गेम टेकन सीरीज के बारे में भी काफी सारी बातें शेयर करते हैं। सो इसी के लेटेस्ट एपिसोड में हराडा माइकल मरी, जो टेकन के प्रोड्यूसर है मैंने पहले बताया था, और लैंड हार्ट, जो कि तुम्हें इनके बारे में नहीं पता होगा, तुम सभी ने नहीं जानते होंगे बट इनकी आवाज तुमने जरूर सुनी होगी। यस, ये वही टेकन 8 की ट्रेलर अनाउंसर थी। याद है जब टेकन 8 का कोई भी कैरेक्टर गेम प्ले ट्रेलर आता था तो बैकग्राउंड में कोई लेडी या अनाउंस करती थी। जी हाँ, ये वही लेडी है जिनको हराडा ने अपने शो पर बुलाया था। सो इस इंटरव्यू में काफी सारी बातचीत होती है और ऐसी आगे वीडियो में लेन ने हराडा से पूछा कि आप टेकन 9 पर कब काम स्टार्ट करोगे और आप कब सोचते हो कि गेम एंड हो जाएगा। सो इसके बाद हराडा रिप्लाई देते हैं कि टेकन 9 लकली लास्ट गेम होगा जिस पर वो गेमिंग इंडस्ट्री से रिटायर होने से पहले काम करेंगे। हराडा अपने और माइकल मरी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि रिटायरमेंट से पहले टेकन 9 हमारा लास्ट गेम होगा। फिर इसके बाद हराडा ने नोट किया कि टेकन 9 के बाद अगले गेम की टाइमिंग को सेट करना काफी मुश्किल होगा। इसके बाद हराडा ने टेकन 8 और टेकन 7 से रिलेटेड अपने ओरिजिनल प्लान्स शेयर किए। जैसे कि हराडा ने बताया कि उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट में टेकन 7 के लॉन्च होने के 2 साल बाद 8th गेम की अनाउंसमेंट करना, और 8th गेम मतलब टेकन 8। सो इसको टेकन 7 से 5 साल बाद रिलीज करने का प्लान किया गया था, बट डेवलपमेंट में सोच से कहीं ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए वो टेकन को टेकन 7 के 5 साल बाद रिलीज नहीं कर पाए। फिर इसके बाद हराडा ने टेकन 9 के फ्यूचर के बारे में बात करते हुए ये कहा कि टेकन 8 अभी भी काफी पॉपुलर है, इसलिए टेकन 9 के लिए वेट करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। बट इसके बाद हराडा बोलते हैं कि अगर टेकन 9 के लिए काफी वेट करना होगा तो वो बूढ़े हो जाएंगे, इसलिए टेकन 9 को जल्द ही रिलीज करना बेटर होगा। इसके अलावा हराडा ने बाद में ये भी कंफर्म किया कि प्लेस्टेशन 5 और एक्सबॉक्स सीरीज SX के बाद नेक्स्ट जनरेशन के कंसोल्स में टेकन 9 को रिलीज करने का एक अच्छा मौका होगा। हराडा कहते हैं कि मुझे लगता है कि अगली बार प्लेस्टेशन 6 या एक्सबॉक्स की न्यू सीरीज जब रिलीज होगी और ऐसा होगा तो मैं टेकन 9 को तुरंत ही रिलीज करना चाहूंगा। ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं करना पसंद करूंगा, बट हम नहीं जानते ये कब तक होगा। फिर इसके बाद आगे वीडियो में हराडा और माइकल मरी ने गेमिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर पर भी बात की और ये देखते हुए बताया कि जब टेकन 9 रिलीज होगा तो गेमर्स गेमिंग डिवाइस के रूप में कंसोल्स या पीसी का यूज नहीं कर रहे होंगे। हराडा दावा करते हैं कि तब तक न्यू टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो सकती है। इसके बाद हराडा ये बोलते हुए सेगमेंट को एंड करते हैं कि वो टेकन 9 को निंटेंडो स्विच पर भी रिलीज करना पसंद करेंगे, और यहीं पर ही इनका ये इंटरव्यू खत्म होता है। सो ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि इंटरव्यू में क्या क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी, और अब चलो मैं तुम्हें इस पर अपने थॉट्स की बात करता हूँ। तो सबसे पहले कन्फर्म कर देता हूँ, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि टेकन 9 टेकन सीरीज का या टेकन फ्रेंचाइजी का लास्ट गेम होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जबकि हराडा ने तो कहा था कि टेकन 9 लास्ट गेम होगा। सो अगर तुम उनकी बातों को ठीक से समझोगे तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि टेकन 9 के बाद सीरीज एंड हो जाएगी, बल्कि वो ये कहना चाहते हैं कि वो टेकन 9 को रिलीज करने के बाद रिटायर हो जाएंगे, और इसके बाद हो सकता है टेकन 10 को कोई और गेम डायरेक्टर डायरेक्ट करे। जैसे कि हमने टेकन 8 में एक न्यू मेंबर को देखा ही था जो टेकन सीरीज में काफी टाइम से काम तो कर रहे थे, बट वो सबके सामने आए टेकन 8 में, वो भी लीडिंग टेकन 8 के डेवलपर बनकर, और उनका नाम है कोई अकीडा, जिन्होंने एक तरह
तरह से हरड़ा का ही काम टेकनेट में किया है, इसलिए इसके ज्यादा चांसेस है कि टेकन 10 में हरड़ा के ना होने से यही गेम डायरेक्टर हो सकते हैं। और कात्सुहिरो हरड़ा क्यों रिटायर होना चाहते हैं, इसका सिंपल सा रीजन है कि वो टेकन सीरीज पर 1994 से काम कर रहे हैं और अब उनकी एज भी ज्यादा हो गई है, वो अभी 53 इयर्स के हैं, इसलिए कोई भी इस एज तक रिटायर होना चाहेगा। और जैसे कि हरड़ा ने कहा कि वो टेकन 9 पर अपना लास्ट काम करना चाहेंगे, इसलिए वो गेम को जल्द ही रिलीज करना चाहेंगे, वो भी प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स के न्यू सीरीज के कंसोल्स के रिलीज के साथ। इसलिए मुझे रिसर्च करने पर ये पता चला कि प्लेस्टेशन 6 अप्रॉक्स 2026 या 27 तक रिलीज हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं है, ये बस प्रिडिक्शन है। तो मे बी इसी ईयर में टेकन 9 को भी रिलीज किया जा सकता है। और जैसे कि मैंने तुम्हें पहले के अपडेट्स में बताया था कि टेकन 8 2 मिलियन की कॉपी सोल्ड कर चुका है, जो कि गेम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसे काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए हो सकता है टेकन 7 के टाइम तो ना सही, टेकन 8 के टाइम ही इसके 2 साल बाद टेकन 9 पर काम स्टार्ट हो सकता है, जिससे गेम डेवलप भी होता रहेगा और न्यू जनरेशन के कंसोल्स के साथ गेम रिलीज होने के लिए रेडी हो जाएगा। बट बस मैं चाहता हूँ कि टेकन 9 निंटेंडो स्विच पर रिलीज ना हो, क्योंकि मॉर्टल कॉम्बैट 1 भी निंटेंडो पर रिलीज हुआ था, जिसके बारे में हम सबको पता है वो गेम दिखने में कितना बेकार लग रहा था, निंटेंडो प्लेटफॉर्म हाई ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं कर पाता। एनीवेज बाद में देखेंगे कि गेम कहां कहां रिलीज होगा। और लास्ट में मैं तुम्हें ये भी बता देना चाहता हूं कि मैंने जो अभी बताया ये बस मेरे थॉट्स थे, ऐसा जरूरी नहीं कि यही होगा जो मैंने कहा, हो सकता है कुछ अलग भी हो, या फिर सच में टेकन 9 के बाद टेकन सीरीज बंद हो सकती है, जिसके चांसेस पर्सनली मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, क्योंकि तुम सभी सोच के देखो और तुम सबको पता ही है कि फाइटिंग गेम्स में टेकन सीरीज बेस्ट गेम है, जो 1994 से चलती आ रही है और ये सीरीज सेल्स भी बहुत करती है, और ऊपर से ये गेम डीएलसी सीजन और ऑनलाइन गेम प्ले को भी प्रोवाइड करती है, जिससे टेकन सीरीज बहुत पैसे कमाती है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस पैसे छापने वाले मशीन को कोई भी बंद करना चाहेगा, इसलिए जब तक गेम चल रहा है पैसे छाप रहा है तब तक तो मुझे नहीं लगता कि गेम की सीरीज बंद होगी। तो ये तो मेरे ओपिनियंस थे, बाकी तुम्हें हरड़ा की बातों से क्या लगता है मुझे बताओ कमेंट्स में। और भाई टेकन 9 की इतनी मस्त न्यूज दी है, उसके लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी बस तुमसे मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।